Comment on following observations. Lithium is only alkali metal to form nitride directly. देखो एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं ग्रुप वन के मेटल्स. ग्रुप वन के मेटल ना नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते, सिर्फ लिथियम बनाता है. ऐसा क्यों है ये पूछा है. ठीक है एग्जांपल देखो, मान लो मैं सोडियम की रिएक्शन करवाता हूँ. सोडियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स सोडियम नाइट्राइड, ये है ना रिएक्शन. ठीक है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 1/2 से. अभी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. ओके इसको मैं थोड़ा और ठीक करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. दिस इज द रिएक्शन. सोडियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइड. अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है देखो. नाइट्रोजन N2 मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड N है ना. दिस नाइट्राइड इज Na पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव एंड N-3 नाइट्राइड ये है. अगर इस रिएक्शन ने होना है दिस एन ट्रिपल बॉन्ड एन हैज टू बी ब्रोकन, ये तोड़ना पड़ेगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन. और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है. रिलीज कहाँ हो रही है, एन ए प्लस और नाइट्राइड आयन जब पास में आते हैं तो ये दोनों जब पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना. नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करके पास में आता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. इस बात को फील कर पा रहे हो क्यों क्यों रिलीज हो रही है. आप ऐसे इमेजिन करो एन ए पॉजिटिव और नाइट्राइड, इनको आपको सेपरेट करना हो, पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको दूर दूर करना हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी है कि नहीं. ऑपोजिट चार्जेस को दूर करना है तो खींच के दूर करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. इससे उल्टा अगर ऑपोजिट चार्जेस पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. समझ में आई बात. इसको बोलते हैं लैटिस का फॉर्म होना. तो जैसे आयनिक लैटिस फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. अब एनर्जी रिलीज किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. जितनी इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि Q1 Q2 बाय R, 12th में आएगा ये. पर मैं आपको थोड़ा सा फील दिलवाने के लिए बता रहा हूँ, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी. ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इस बात की फील आ रही है, अरे आ रही है फील. देखो ये है पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो इसको दूर करने में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, ये बात समझो. अरे इधर देखो, अगर दो चार्जेस हैं इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो इनको सेपरेट करने में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको सेपरेट करने में, ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो जितनी फोर्स इनमें ज्यादा है उतनी एनर्जी फिर रिलीज भी ज्यादा होगी. समझ में ही बात. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, देखो ये एन ए पॉजिटिव है मान लो, ये सी एल माइनस है, इनमें डिस्टेंस है मान लो आर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज कांस्टेंट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Q1 Q2, इस पे चार्ज है मान लो Q2 नमस्कार. अपॉन आर स्क्वायर, इसी के प्रोपोर्शनल होती है ना. इसका एनर्जी भी होता है, आर स्क्वायर की जगह आर हो जाता है. वो डेरिवेशन तो आप फिजिक्स में किया होगा आपने, वो बाद में देख. ठीक है तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होती है. ये हो गया सोडियम का केस. अब लिथियम का केस देखते हैं. लिथियम सोडियम से छोटा है, लिथियम सोडियम से छोटा है ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी उसके केस में, कम होगी. अगर आर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. तो लिथियम नाइट्राइड में जो एनर्जी रिलीज्ड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सोडियम नाइट्राइड में कम होती है क्योंकि लिथियम और नाइट्राइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम प्लस का. समझ में आई बात है या नहीं आई. तो अब देखो सोडियम नाइट्राइड के केस में एनर्जी रिलीज कम है. लिथियम नाइट्राइड देखो, 6 लिथियम प्लस N2 गिव्स 2Li3N. लिथियम नाइट्राइड जब फॉर्म होता है तो काफी एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी सफिशियंट होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. लेकिन सोडियम नाइट्राइड जब बनता है तो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती कि इसको तोड़ सके. इसलिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते, लिथियम करता है साइज की वजह से. क्योंकि सोडियम प्लस बड़ा है तो सोडियम प्लस और नाइट्राइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, एनर्जी उतनी रिलीज नहीं करेगा. सिंपल बात है. ठीक है तो ये तो मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया. कोई भी एल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाता, सिर्फ लिथियम बनाता है. ओके
एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के बाकी एल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, नाइट। ठीक है, लिथियम और सोडियम दोनों की मतलब 4 4 कोवेलेंसी, दोनों 4 4 चार्जेस का फर्क है साइज का नाइट्रोजन। फर्क है, साइज का। हाँ 4 4 यूनिट साइज में फर्क है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? साइज बड़ा है बस, तो सिंपल बात है। लैटिस एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल नाइट्राइड्स इज नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट फॉर हाई बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? एल्कली मेटल नाइट्राइड मतलब सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, रुबीडियम नाइट्राइड, ऐसे नाइट्राइड का जो लैटिस एनर्जी है, मतलब ये दोनों आयन जब पास आके लैटिस बनाएंगे, वो जब एनर्जी रिलीज होगी उतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इसको तोड़ सकें। मोर ओवर प्लेसिंग थ्री लार्ज साइज एल्कली मेटल कैटायंस अराउंड ए स्मॉल नाइट्राइड एनायन इज डिफिकल्ट। यहाँ पे तीन बड़े बड़े सोडियम प्लस आयन और नाइट्राइड एक छोटा आयन, एक के आसपास तीन बड़े बड़े कैटायन रखना मुश्किल है, ठीक है ना? दो कारण हो गए, एक तो लैटिस एनर्जी कम है एल्कली मेटल नाइट्राइड की, दूसरा एक नाइट्राइड के आसपास तीन बड़े बड़े कैटायन अकोमोडेट करना मुश्किल है। इन दो कारणों से एल्कली मेटल नाइट्राइड फॉर्म नहीं होते, लेकिन लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। लिथियम का बिहेवियर क्या है? एक्सेप्शनल है। क्यों? वो नाइट्राइड बना देता है, इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स। क्यों है? क्योंकि लिथियम प्लस का साइज छोटा है, छोटा होने के कारण 3 Li+ 1 N3- के आसपास आप रख सकते हो। ऑल्सो लैटिस एनर्जी, इसकी लैटिस एनर्जी भी हाई है। क्यों हाई है? Li+ छोटा है, ठीक है? हाई लैटिस एनर्जी क्या करती है? कंपनसेट कर देती है। किसको कंपनसेट कर देती है? बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी क्यों चाहिए? N2 को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए। समझ में आ गई बात है? नेक्स्ट। इन व्हाट वेज लिथियम शोज सिमिलैरिटीज टू, इन व्हाट वेज लिथियम शोज सिमिलैरिटीज टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर। लिथियम और मैग्नीशियम अपने केमिकल बिहेवियर में सिमिलर होते हैं, ओके? ऐसा क्यों है? लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, हालांकि इनका ग्रुप डिफरेंट है पर फिर भी इनमें सिमिलैरिटी होती है केमिकल बिहेवियर में, ऐसा क्यों है? देखो, लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या है? सिमिलर है। इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, इसके कारण इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आ जाती है। जैसे देखो, लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना है? 152 पिकोमीटर। मैग्नीशियम का कितना है? 160 पिकोमीटर। सिमिलर सा है। लिथियम प्लस का कितना है? 76 पिकोमीटर। मैग्नीशियम 2+ का 72 पिकोमीटर। तो सिमिलर सा है ना, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। तो इनमें सिमिलैरिटी के पॉइंट्स क्या हैं? देखो, ये याद करना है आपको। पहला, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ओके? ये हार्ड है बाकी, जैसे लिथियम को अगर आप कंपेयर करोगे बाकी एलिमेंट्स के साथ, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ, तो लिथियम इनमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ओके? क्योंकि हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है, देखा था ना कल हमने, मेटेलिक बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप क्या होती है? वीक होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ऊपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब ज्यादा हार्ड है वो। ऐसे ही मैग्नीशियम भी हार्ड होता है बाकी कंपैरिजन में बाकी ग्रुप मेंबर्स के। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। पानी के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम और लिथियम की क्या है? स्लो है। जैसे सोडियम पोटासियम को कंपेयर करोगे तो पानी के साथ वो आग ही लगा देते हैं ना, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है और रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि आग लग जाती है, पर लिथियम उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ, मैग्नीशियम भी नहीं करता, ओके? देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल। तो लिथियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये पानी में उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते और हीट करने पे वो डिकम्पोज कर जाते, ठीक है बात है? दूसरा, बोथ फॉर्म नाइट्राइड।
लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है और मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, तो सिमिलैरिटी होगी। एल्कली मेटल का और कोई भी मेटल एल्कली मेटल जैसे नाइट्राइड नहीं बनाता, ग्रुप टू के तो बनाते हैं। हाँ ग्रुप टू के तो सारे बनाएंगे नाइट्राइड, ग्रुप वन में सिर्फ लिथियम बनाता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाते हैं। ओके ये देखो, द ऑक्साइड Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। ये मैंने पहले भी बताया था, जब आप एयर के साथ रिएक्शन करते हो एल्कली मेटल्स का, तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि लिथियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। समझ में आई बात? इसको अगर आप और एयर भी दे दोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड ही बना रहना पसंद करेगा, ऐसे नहीं कि लिथियम सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड बन गया, ये रिएक्शन होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। समझ में आई बात? कहने का मतलब है लिथियम का भी ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, इनके पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड उतने स्टेबल नहीं है जितने इनके ऑक्साइड स्टेबल हैं दोनों के। ठीक है, अगला पॉइंट, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डीकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स है, अगर आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हीटिंग इफेक्ट इनका सिमिलर है। किसी और अगर आप एल्कली मेटल को, ग्रुप वन के मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हो, कुछ नहीं होता, दे आर स्टेबल टूवर्ड्स हीट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोडियम कार्बोनेट को हीट करा, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ। समझ में आई बात? हाँ बहुत हाई टेम्परेचर पर फिर बात नहीं हो रही, बट नहीं तो ये थर्मली स्टेबल होते हैं। समझ में आई बात? ग्रुप टू के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं, ग्रुप वन में सिर्फ लिथियम बनाता है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज करने, तो इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर हो गए ऑन बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है ना? अगला, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब LiHCO3, ये जो लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही रह सकता है, ये अलग से सॉलिड नहीं मिलने वाला आपको। समझ में आई बात? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, पानी में डाल के रखोगे तो होगा लिथियम बाई कार्बोनेट। आप बोलोगे कि पानी में से बाहर आके सॉलिड बन जाए ना, मैग्नीशियम का भी बाई कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता, एक्वस फॉर्म में ही होगा, पानी में रखोगे बस वही रहोगे। समझ में आई बात? दोनों ही इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। ओके, इथेनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होता है? नॉन पोलर कंपाउंड्स जिनमें पोलैरिटी कम होती है, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में ही कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिथियम प्लस छोटा है मैग्नीशियम 2+ भी छोटा है, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा क्लोराइड आयन की। समझ में आई बात है? फजान जरूर आइए, नहीं समझ आई बातें? के ऊपर देखो ये फजान जरूर पढ़ा था ना हमने, ये है क्लोराइड आयन, इसको कोई छोटा कैटायन आएगा लिथियम प्लस तो इसके चार क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा ना, ऐसे ही मैग्नीशियम 2+ छोटा होता है तो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, तो इनमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में, बिकॉज दीज आर स्मॉल कैटायंस, तो कोवेलेंट करेक्टर आने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होने की टेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है, इथेनॉल में इसलिए सॉल्युबल होते हैं। ओके समझ में आ गई बात है? बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलीक्विसेंट, डेलीक्विसेंट का मतलब होता है पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं दोनों के दोनों। ओके, मतलब ये पानी को अब्सॉर्ब करेंगे फिर उसमें डिजॉल्व ही हो जाएंगे खत्म, तो दोनों डेलीक्विसेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वस एंड क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रेट, इन दोनों के सॉल्ट ही हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, लिथियम भी हाइड्रेट फॉर्मेशन, लिथियम के कंपाउंड्स भी हाइड्रेट फॉर्म करता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी हाइड्रेट फॉर्म करता है, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, छोटे हैं ना ये लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+ छोटे कैटायन है तो इसको हाइड्रेशन ज्यादा होती है इसकी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है छोटा होने की वजह से, तो हाइड्रेशन इसकी ज्यादा होती है, तो ये सारी इसमें सिमिलैरिटी है लिथियम और मैग्नीशियम में, ये आपको याद कर लेनी है। ओके